कहाँ तक हो गया था? सॉलिडिटी प्रोडक्ट। अच्छा, ये बता दिया गया था अगर कोई स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या करता है, अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ये बता दिए थे, यही था ना लास्ट। कोई भी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को डालोगे तो अपने आयंस के साथ ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाएगा। ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है ना, इसको हम लोग को बोलते हैं डिस सॉल्यूशन। दिस वन इज व्हाट, डिस सॉल्यूशन। और ये जो बैकवर्ड रिएक्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशंस। इसको क्या बोला जाता है, प्रेसिपिटेशंस। इनिशियली क्या रहा होगा बताओ? इनिशियली हम लोग बोल सकते हैं, इनिशियली ये जो रेट ऑफ डिसोल्यूशंस है, रेट ऑफ डिसोल्यूशंस है, दैट वन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशंस। मतलब जब हम किसी ए बी स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी में डाले होंगे तो क्या होगा, इस सॉल्ट का ये सॉल्ट क्या होगा, अपने आयंस में कन्वर्ट होगा। इनिशियली तो ये होगा ना, तो हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशंस। इस केस में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट इसके अंदर, पानी के अंदर डिजोल्व होगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस ये जो फाइनल सॉल्यूशंस होगा, ये जो सॉल्यूशंस बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। यही बोलते हैं ना। तो हम इसमें लिख देते हैं, इसमें क्या, मोर मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व इस केस एंड सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, थोड़ा देर के बाद क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशंस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशंस। इक्विलिब्रियम आ गया, फॉरवर्ड रेट और बैकवर्ड रेट इक्वल हो गया, और ये जो सॉल्यूशन है इसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, इसके अंदर और ज्यादा सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा इस केस में ना। इस केस में लिख देते हैं नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व, नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व एंड सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सैचुरेट हो गया है, इसके अंदर और सॉल्ट डिजॉल्व नहीं होगा। फिर थोड़ा देर के बाद क्या होगा, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशंस विल बिकम ग्रेटर देन रेट ऑफ डिसॉल्यूशंस। रेट ऑफ प्रेसिपिटेशंस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ डिसोल्यूशंस। इस कंडीशन पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट मतलब क्या होगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड रिएक्शंस डोमिनेट कर जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शंस के ऊपर। तो इस केस में क्या लिखूं कि सॉल्ट विल प्रेसिपिटेशंस विल ऑकर,
प्रेसिपिटेशंस विल ऑकर, प्रेसिपिटेशंस विल ऑकर एंड दो सॉल्यूशंस होगा, सॉल्यूशन इज क्या बोलते हैं इसको, सुपर सैचुरेटेड, क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड, सॉल्यूशन जो होगा सुपर सैचुरेटेड होगा। आगे देखिए, देखिए एट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलने का मतलब इक्विलिब्रियम आ गया है। देखो ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया है। फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस मतलब क्या, ये आपने देखा रेट ऑफ जो भी डिसॉल्यूशंस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशंस, तो ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ गया है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो गया है। तो जो भी इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी होगा, जो भी इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी होगा दैट विल रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही चीज मैं लिख रहा हूं, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस द कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी, इस सॉल्ट के लिए हम लोग सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या है बताए हैं पिछले क्लास, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट विल रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मतलब भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, मतलब मेरा बोलने का मतलब है अगर आपको सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी पता है तो उसके आयंस का आप कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका सॉल्युबिलिटी एस है तो इसका भी सॉल्युबिलिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन एस होगा और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन एस होगा, समझ रहे हो। हम इस आयंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन करते हैं, सॉल्ट के लिए सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं। तो ऐसा बोला गया कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो इस सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी होगा That will represent the concentrations of ions. अगर आपको इस salt का solubility पता है तो आपको salt, आपको ions का concentration भी पता है। अगर इसका हम solubility बोले 5 mole per liter तो इसका concentration कितना होगा, इसका भी 5 होगा और इसका भी 5 होगा, यही चीज बोला गया है इसमें। चलो लिख लो इसको, देखिए यही इक्वेशंस है, इसके इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मान लेता हूं के है, के कैसे डिफाइन करेंगे, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये जो सॉल्ट स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट दिख रहा है ना, इसका जो सॉल्युबिलिटी होता है, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है, ये कॉन्स्टेंट है। तो इन दोनों को मिलाकर एक नया कॉन्स्टेंट आएगा
उसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, केएसपी बोला जाता है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट बोला जाता है। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ना, ये एबी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, सॉलिडिटी होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो क्या किए, ये कांस्टेंट, ये भी एक कांस्टेंट, मिलकर एक नया कांस्टेंट बन गया, उसको क्या बोला मैं, के एस पी बोला। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। तो ये के किस पर डिपेंड करेगा बताओ, ये जो के एस पी है, इट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर। चलो तो जैसे मान लो कि कोई सॉल्ट है, ए बी टू टाइप का सॉल्ट है, इसका ये क्या करेगा, अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ऐसा अगर मान लो इस सॉल्ट का सॉलिबिलिटी एस मोल पर लीटर है, तो मुझे इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, एस होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन बताओ, टू एस होगा। होगा अगर मैं इसके लिए केएसपी लिखूं, तो केएसपी क्या है, देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। अगर कुछ कॉफिशियंट रहता तो पावर में जाता, ये सब तो बताया गया पहले। तो क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस। हाँ, और इसका जो कॉफिशियंट है, दैट विल गोज टू पावर। ये क्या हो जाएगा, देखो एस क्यू, 4 SQ हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई सॉल्ट है AXBY, तो इसका आप अगर मान लो इस सॉल्ट का सॉलिडिटी है दिया हुआ, सॉलिबिलिटी एस मोल पर लीटर दिया हुआ है, तो आप क्या करें, इसका केएसपी कैलकुलेट करें, इस सॉल्ट का केएसपी कैलकुलेट करें। यही आया होगा, देखिए कैसे ये आयंस में टूटेगा। सर, इसका कौन सा, केएसपी इक्वल टू एक्स इनटू वाई एस टू द पावर एक्स प्लस वाई। हाँ, एक्स टू दी पावर एक्स इंटू वाई टू दी पावर वाई इंटू एस टू दी पावर एक्स प्लस वाई है, ये एक्सप्रेशन आएगा। देखो यहाँ पे पहले स्टेप बाय, चलो अगर नहीं तो गलती यहाँ पर होता है, कुछ आप स्क्वायर करना भूल जाओगे, पावर लेना भूल जाओगे वगैरह वगैरह। तो आप क्या करो, देखो इसका सॉलिडिटी एस है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एक्स इंटू एक्स, इसका क्या होगा, वाई एस। हम जब केएसपी लिखते हैं, केएसपी में क्या लिखते हैं, इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है,
और अगर कुछ कोफिशियंट है तो उसको पावर में दे दीजिए, इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कुछ कोफिशियंट है तो उसको पावर में दीजिए। देखो यहां से क्या आ जाएगा, x टू द पावर x, y टू द पावर y और s टू द पावर x प्लस y, ये इसका KSP हो जाएगा, समझे। अगर मान लो कि कोई सॉल्ट है A2 B3 टाइप का और इसका मान लो कि सॉलिडिटी है S मोल पर लीटर, तो इसका KSP निकालिए आप। वन वन जीरो एट एस टू दी पावर फाइव। देखो देखो एक लाइन भी बना सकते हैं, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर और एस टू दी पावर, ये दोनों ऐड कर दो। देखो देखो यहाँ यहाँ से पता लगेगा, यहाँ देखो एक्स का थ्री का क्यूब होगा, हाँ थ्री का क्यूब, सॉरी हाँ क्यूब, थ्री का क्यूब, एस का जैसे ये यहाँ पर x है तो इस पर पावर भी x है, y है तो इस पर पावर भी y है, और s पर क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। बट आप स्टे बाय, चलो ये में इसमें गलती हो सकता है, जैसे यहाँ पर कभी जैसे मैं यहाँ पर 2 लिख दिया, आपको भी मिस्टेक हो सकता है, तो इसलिए आप स्टे बाय करोगे तो गलती नहीं होगा। ये अल्टरनेटिव में बताया कैसे करोगे, देखो इसको पहले आयंस में तोड़ लीजिए आप, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले 2s, इसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल ले 3s, KSP निकालना है, KSP क्या होता है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2s है और अगर कोफिशियंट कुछ है तो पावर में डाल दे, इसका कॉन्सेंट्रेशन 3s, अगर कुछ कोफिशियंट है तो उसको पावर में डाल दे। अब ये सही आएगा, ये कभी गलत नहीं होगा, क्या जाएगा 108 एस टू द पावर 5। चलो एक क्वेश्चन लिखें, देखो KSP of magnesium hydroxide इज 3.2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 14, इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल बी डैश,
क्यों नया इक्वेशन बना रहा है, रिसर्च कर रहा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट है, उसको आप तोड़ो आयंस में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तो फॉर्मूला तो सही लिख ले, OH होल टू होता है, फिर उसे होगा Mg2 प्लस और 2OH माइनस। बिल्कुल सही, 2 × 10⁻⁵ मोलर, मोल पर लीटर। बना लिया? आंसर सुन के लिख दिया? अच्छा चलो, चलो अच्छी बात है। चलो बना लिए होंगे, आई होप सो। देख लीजिए, ये जैसे जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो ये सॉल्ट है, मीन्स ये पानी में कम सॉल्युबल है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पायरिंगली सॉल्युबल। ज्यादा सॉल्युबल रहता तो हम लोग इसको सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं, बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ना एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, पानी में कम सॉल्युबल है, इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल ही नहीं है। सॉल्युबल ही नहीं तो OH माइनस कहां से देगा? ऐसा नहीं कि ये 2OH माइनस देगा, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोल देंगे। चलो तो ये क्या हो जाएगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस। अगर आप यही नहीं कर पा रहे हो तो ये फिर आगे क्वेश्चन बनेगा, गलत हो जाएगा। मान लेते हैं इसका सॉलिडिटी S है, इसका क्या हो जाएगा S, कॉन्सेंट्रेशन इसका 2S। KSP का एक्सप्रेशन लिखिए, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2^1, इसका कॉन्सेंट्रेशन 2^2, ये क्या आ जाएगा 4S³ आ जाएगा। केएसपी का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चंस में, देखें 3.2 × 10⁻¹⁴ अपॉन 4^1/3, यही है। तो देखो ये 8.8, इसको 15 कर लेता हूं हो जाएगा ना, 5 × 3 लिख सकते हैं उसको, और ये पावर कैंसल हो जाएगा। ये क्या आ रहा है, S आ रहा है, तो S इज इक्वल टू क्या, 8 × 10⁻¹⁵ कर रहा हूं, तो अभी इसको क्या कर रहे हैं ना, इस पर पावर है 1/3, तो इतना मैथ जानते हो गए, 2Q लिख सकते हैं, 2Q, और Q लिखेंगे तो ये कैंसल हो जाएगा इससे, तो इसको 2 लिख सकते हैं हम, और ये क्या 10⁻¹⁵ लिख सकते हैं, इसको 15 को 5 × 3 लिख सकते हैं, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, इतना मोलर हो जाएगा आंसर। चलो उसके बाद लिखे सॉलिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ये जो क्वेश्चन था ना उसके उसके आगे आप हेडिंग लिख ले सॉलिडिटी, इसके हेडिंग लिख ले सॉलिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, लिख ले सॉलिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हेडिंग लिख ले, अभी लिख ले सॉलिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, मतलब अगर कॉमन आयन रहेगा तो कैसे क्वेश्चन को टैकल करेंगे हम। पहले कॉन्सेप्ट सीखें, ये क्या था सॉलिडिटी
इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, और ये वाला था सॉलिडिटी इन इन प्रेजेंस ऑफ H2O। तो इसको कैसे, इसको तो नॉर्मल तरीका से हैंडल करते हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कॉमन आयन आएगा तो थोड़ा सा आपका काम बढ़ जाएगा। क्या काम बढ़ेगा पहले कॉन्सेप्ट सीखे। जैसे मान लो कि ए भी एक स्पैरिंगली सोल्युबल सॉल्ट है, तो अभी क्या करेगा, ये अपने आयंस में टूट जाएगा, अब मान लो ना इस ए बी को, इस ए बी स्पायरिंगली सोल्युबल सॉल्ट को हम एसी में डाल दें, एसी एक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें डाल रहे हैं। पहले मान लो कि ए बी को पानी में डाल रहे थे, अभी क्या ए बी को एसी में डाल रहे हैं, और इन दोनों में एक आयन कॉमन होने वाला है, तो क्या होगा, अगर एसी में डालेंगे तो एसी का, एसी क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये भी ए प्लस और सी माइनस में टूट जाएगा, ये भी 100% टूटेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन होने वाला है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए, अगर मान लो इस सॉल्ट का सॉलिडिटी, इसका जो सॉलिडिटी है एस मोल पर लीटर है इस सॉल्ट का, तो इसका क्या होगा, इसका भी एस होगा, ये भी एस कॉन्सेंट्रेशन इसका, ये जो डाल रहे हैं ना, मान लो कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन है सी मोल पर लीटर है, ये जो एसी हम एसी के अंदर जो डाल रहे हैं ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, सी मोल पर लीटर, ये सी मोल पर लीटर, तो ये भी कितना होगा सी, और ये भी सी। हाँ, अब क्या होगा, इस कंटेनर में ये जो ए प्लस कॉमन आयन है, इसका तो कॉन्सेंट्रेशन सेम रहना है, रहेगा ना, तो यहां पर एस है यहां पर सी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर सी और यहां पर अगर करना है तो कर दो, ऐसे तो दिक्कत, यहां पर भी कर दिया। चलो, अब अगर इसके लिए, इसके लिए एक्सप्रेशन लिखूं तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस एस प्लस सी का पावर, यहां पर वन है, इंटू एस टू दी पावर वन, यही लिखोगे, लिखोगे, ये इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम एक एजम्पशंस काम करेगा, क्या काम करेगा यहां पर समझे, ये जो एस प्लस सी है ना, ये देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, देखोगे कि ये जो एस का वैल्यू है ना, इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये जो के ए बी जो सॉल्ट होगा ना, इसका जो केएसपी का वैल्यू होगा ये बहुत छोटा होता है। जैसे देख लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 10^-14 ऑर्डर का, जनरली केएसपी का जो वैल्यू होता है ना बहुत छोटा होता है। केएसपी का वैल्यू छोटा होता है तो सॉलिडिटी जो होगा ना, सॉलिडिटी बहुत कम होता है। तो ये जो इस कॉन्सेंट्रेशन के कंपेरिजन में, इस सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन के कंपेरिजन में हम क्या करते हैं, ये जो S का जो वैल्यू है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इसके कंपेरिजन में ये वैल्यू बहुत छोटा आने वाला है, इसलिए क्या करेंगे हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। समझ रहा है, ये क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, पहले समझो ये। तो हम क्या लिख दिए, दैट इज इक्वल टू सी, यहां पर लिख देता हूं एच के एस पी वैल्यू इज लो, सो सॉलिबिलिटी ऑफ, सॉलिडिटी ऑफ ए बी सॉल्ट कैन बी नेग्लेक्टेड, केएसपी का वैल्यू कम होता है, इसलिए इस सॉल्ट का जो सॉलिडिटी है इसको हम नेग्लेक्ट कर दिए हैं। समझ गया, इसके रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर दिए। अब चलो, अब ये हम पता लग गया कि S प्लस सी सी के इक्वल होने वाला है, ये चीज अब क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, KSP इज इक्वल टू व्हाट, S प्लस सी के जगह क्या लिखूंगा, C लिखूंगा,
और ये क्या s ही रहेगा। यहां से हम s का वैल्यू निकाल सकते हैं कैसे, दैट इज के एस पी अपॉन सी। तो ये अप्रोच होगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कैसे आप क्वेश्चन को टैकल करोगे। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर फॉस्फेट लिख लिया फॉर्मूला, फॉर्मूला भी बगल में लिखो सब, सिल्वर फॉस्फेट। अब फॉर्मूला नहीं लिख पाओगे तो हम कैसे क्वेश्चन बनेगा बताओ। कोई भी फॉर्मूला सिल्वर फॉस्फेट का लिखा हो जो सही। हाँ एजी, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि सिल्वर का वैलेंसी 1 होता है हमेशा और फॉस्फेट का 3 होता है। हाँ अब सही है, Ag3PO4। अगर फॉर्मूला ही गलत लिखोगे तो आप वो जो हम इक्विलिब्रियम सेट करते हैं वो गलत आएगा, अगर वो गलत आएगा तो आपके एसपी का कभी भी सही एक्सप्रेशन आ ही नहीं सकता है। चलो तो ये फॉर्मूला लिख लिए होंगे, Ag3PO4, फॉस्फेट आयन का वैलेंसी 3 होता है और सिल्वर का 1 होता है। तो फॉर्मूला पढ़े होंगे बचपन में, क्रिस क्रॉस करते हैं वगैरह वगैरह, उतना तो हमको भी नहीं आता है, आपको ज्यादा आता है। चलो कैलकुलेट द सॉलिडिटी ऑफ सिल्वर फॉस्फेट इन इन मोल पर लीटर, इन मोल पर लीटर। क्वेश्चन का पहला बिट क्वेश्चन का फर्स्ट बिट, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरा बिट, क्वेश्चन का दूसरा बिट है, इन प्रेजेंस ऑफ 0.02 मोलर AgNO3 डाटा दिया हुआ है, केएसपी दिया हुआ है, केएसपी किसका, जो भी आपका सिल्वर फॉस्फेट का, Ag3PO4 का दिया हुआ है डाटा, लिख लीजिएगा, दैट वन इज 2.7 इंटू 10^-23। ये डाटा दिया है आपको, तो पहला बिट में तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे सॉल्व किए आप करो कीजिए। सर फर्स्ट का आंसर 10^-6 10^-6 बिल्कुल सही आ रहा है। पहला का आंसर जिनका आ रहा है 10^-6 मोल पर लीटर, बिल्कुल आप सही हैं। अब चलो दूसरा बनाओ, पहला बिट हो गया तो दूसरा बिट कॉमन आयन, अब देख सकते हो Ag+ कॉमन होगा। अभी क्या जा, सेकंड केस में क्या जा रहा है कि AgNO3 का मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें अभी हम Ag3PO4 डाल रहे हैं,
तो पहला का तेरा आंसर क्या है? देखो कैलकुलेशंस नहीं हो रहा है। जो केमिस्ट्री का काम कहाँ तक था बता? तो यहीं तक था, उसके बाद कहाँ क्या काम है बता? मैथ का काम है। मैथ वो भी कि बड़ा मैथ नहीं है, मतलब जो भी हम 8 9 बचपन से सीखते आ रहे हैं वही चीज का अप्लाई यहाँ पर है। दूसरे का 2 × 10⁻⁸। टू इंटू 10⁻¹। नहीं, कुछ कुछ लग रहा है, गड़बड़ है, देख रहे देख लो एक बार। चलो जिनसे अगर पहला नहीं हुआ है, देखिए पहला नहीं हुआ है, देख लीजिए। -10⁻¹। आपको सही लग रहा है। 1.3 इंटू, हाँ ऐसा ही कुछ है। मैं ऐसे लिखा हूं कि वही है क्या? देख लो मिलाकर 27/8 इंटू 10⁻¹। देखो देखो देखो, पहला बिट, फर्स्ट बिट, ये वाटर वाला है। क्या है? Ag3PO4। ये स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर इसका सॉलिडिटी S है तो ये 3S कॉन्सेंट्रेशन इसका और इसका S। Ksp लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 27⁻¹ कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये 3 4 4 आ जाएगा। चलो केएसपी का वैल्यू दे दिया गया है, कितना? 2.2.7 × 10⁻²³ का क्या हो जाएगा? power 1/4, दैट इज इक्वल टू एस। अच्छा ये 27 तो डिवाइड भी होगा। तो ये इसे कैंसिल हो जाएगा 0.1, ये 10⁻²⁴ हो जाएगा। 24 मतलब 6 × 4 लिख सकते हैं। 4 लिखेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या बच जाएगा? एस का वैल्यू 10⁻⁶ बच जाएगा, यही मोल पर लीटर। समझ गए क्या मैं बोला? फिर से समझ ले, ये 0.1 आया, 0.1 आया तो इसको 10⁻²⁴ लिख सकते हैं। 10⁻², यहाँ पर 1/4 है तो इसको 4 के ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा, तभी तो कैंसल्स होगा। तो इसको 4 के ऑर्डर में सेट करने के लिए 6 × 4 लिख सकते हैं इसको, तो 4 से 4 ये कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर 6 बचेगा, तो 10⁻⁶ आंसर हो गया। चलो दूसरा देखें। अब है इन जो भी AgNO3, अब AgNO3 को अंदर डाल रहे हैं, इसको किसके अंदर डाल रहे हैं? AgNO3 के अंदर डाल रहे हैं। पहले किसके अंदर डाल रहे थे? पानी के अंदर डाल रहे थे, तो अब इसके अंदर डाल रहे हैं और एक आयन कॉमन भी है, तो क्या क्या होगा? अभी इक्विलिब्रियम ऐसा कुछ सेट हो जाएगा। देखो Ag3PO4, 3Ag+PO4, 3-, और ये जिसके अंदर डाल रहे हैं दैट इज AgNO3। क्या है? Ag+ और NO3-। अगर इसका सॉलिडिटी S है तो इसका क्या हो जाएगा? 3S। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? देखो 0.02 मोलर। इसका भी हो जाएगा, ये तो 100% डिसोसिएट करता है, 0.02, और ये भी 0.02। एक आयन का एक सॉल्यूशन में तो कॉन्सेंट्रेशन सेम ही रहेगा, तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? 0.02 से यहाँ ऐड करना पड़ेगा, यहां पर ये करना है तो कर दो। अब हमको क्या करना है? हम जानते हैं इस वैल्यू के कंपेरिजन में ये वैल्यू छोटा आने वाला है,
जी तो नेगलेशन सिखाया हूं मैं आपको। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो केएसपी होगा, केएसपी होगा इस स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, जो केएसपी होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.02। ये तो नेगलेक्ट हो गया, इस पर पावर कितना क्यू, इनटू इसका कॉन्सेंट्रेशन, इस पर पावर कितना वन। अब देखो केएसपी का वैल्यू तो चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि केएसपी का वैल्यू कब चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होता है। तो केएसपी का वैल्यू जो यहां पर था वही यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 2.7, 2.7 इंटू 10^-23, और ये कितना हो जाएगा 2.8, कर देता हूं 8 × 10^-6। देखो ये इससे कैंसल हो गया, ये 10^-17, 17, हाँ रुक जाओ, ये 6 कैंसल हो गया तो 17, ठीक है। तो ये अगर ये पॉइंट भी नीचे लाना चाहते हो तो ये 10, हाँ तो ये ऐसे 27/8 × 10^-16 हो जाएगा, यही एस का वैल्यू हो जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्वेशन देखो, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्या है देखो, जब हम पानी में इसको पानी में डाले थे तो सॉलिडिटी इतना था, जब हम कॉमन आयन में डाले तो इसका सॉलिडिटी क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये बात ध्यान रखना है कि सॉलिडिटी इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, सॉलिडिटी ऑफ एन स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज ऑलवेज लेस देन सॉलिडिटी ऑफ दैट स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर। ये कंक्लूजन यहां से निकलता है, तो ये लिखो नोट में, मैं लिखा दूंगा। सर वो 10^-18 होगा ना, यहां पर 10^, ये 10 आया नीचे, 10 आया तो हाँ 18 हो जाएगा। चलो ये तो मैथमेटिक्स है, लिख लिए नोट, नोट में लिख लो ये बात, सॉलिडिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, सॉलिडिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन ए कॉमन आयन, इन ए कॉमन आयन इज ऑलवेज लेस देन द सॉलिडिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इन वाटर, इन वाटर सॉलिडिटी ऑफ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट SSS इन वाटर। आगे हेडिंग लिखे साइमेंटेनियस सॉलिडिटी, साइमेंटेनियस सॉलिडिटी, साइमेंटेनियस सॉलिडिटी क्या, साइमेंटेनियस सॉलिबिलिटी, देखिए आप समझे इसको। अब क्या होगा ना कि दो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एक ही कंटेनर में रखूंगा। अभी क्या कर रहे थे हम, पानी के अंदर एक ही स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डाल रहे थे, अब क्या करेंगे, दो स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, एक जो एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में जाएगा, दूसरा भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में सेट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे टेकल करते हैं ये देखना है अभी, इसलिए हेडिंग का नाम ही क्या है, साइमेंटेनियस सॉल्युबिलिटी।
मतलब एक ही कंटेनर में दो डिफरेंट स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इक्विलिब्रियम में अभी रहेंगे। जैसे मान लो कि यहां पर एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ले रहा हूं ए बी, चलो तो ये भी क्या होगा, अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। साइमन, अच्छा साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, हाँ इसको लिख लो, लिख लो साइमल्टेनियस, एस आई एम यू साइमल, अच्छा चलो ठीक है साइमल्टेनियस, साइमल अब सही हो गया। अब ए बी को हम पानी में डाला तो क्या होगा, अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया इसी कंटेनर में। एसी को भी डाल रहा हूं तो एसी क्या होगा, ये भी अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मान लो कि इसका जो केएसपी है, सॉलिडिटी प्रोडक्ट का वैल्यू है केएसपी वन है, इसका क्या है केएसपी टू। इसका मान लो कि जो सॉलिडिटी है, सॉलिडिटी है एक्स है, एक्स मोल पर लीटर है, इसका जो सॉलिडिटी है लेट इट बी वाई मोल पर लीटर, तो क्या होगा देखो, अगर इसका सॉलिडिटी एस तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, इसका भी एक्स, इसका वाई, इसका भी वाई। अब यहां पर देखो एक ही कंटेनर में ए प्लस तो अलग अलग नहीं रहेगा, इक्वल करना पड़ेगा आपको, तो क्या करोगे बताओ। चलो यहां से दो इक्वेशन बनाते हैं, पहला के लिए के एस पी वन लिखा तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स, इक्वेशन नंबर वन। दूसरा के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा देखो, देखो अगर मैं वन डिवाइड बाय टू कर दूं, वन से टू को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा बताओ, के एस पी वन अपॉन के एस पी टू दट इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। दूसरा चीज, दूसरा चीज अगर मैं वन प्लस टू कर दूं तो क्या हो जाएगा बताओ, लिख सकता हूं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर के एस पी वन प्लस के एस पी टू लिख सकता हूं। देखो इन दोनों से, इन दोनों का यूज करके हम एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स वाई का वैल्यू निकल गया तो हर एक आयंस का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा, इवन सॉल्ट का सॉल्युटी निकल जाएगा। चलो इसको लिखो एक क्वेश्चन से और अच्छी तरह से समझो, इसको लिखो मैं क्वेश्चन कराता हूं। अरे ये सब तो समझ में आ रहा है ना, सिंपल मैथ है। क्वेश्चन लिखिए, लिखिए मिक्सचर ऑफ सॉलिड स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, सॉलिड स्ट्रॉन्शियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, एंड बेरियम सल्फेट इज सेकेंड सेकेंड अप विथ वाटर, सेकेंड अप विथ वाटर, विथ वाटर अंटिल इक्विलिब्रियम इज
established until equilibrium is established. Full stop. Given that Ksp of strontium sulfate is 7.5 into 10 raised to the minus 7 and Ksp of barium sulfate is 6 into 10 raised to the minus 18. लिखा हुआ डाटा लिखा हुआ है. केएसपी स्ट्रॉन्शियम सल्फेट का देखो यहां लिख दिया गया है, बेरियम सल्फेट का नीचे लिख दिया गया है. फुल स्टॉप. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन्स. कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्शियम आयन्स, बेरियम आयन एंड सल्फेट आयन. Strontium ion, barium ion and sulfate ion. अब क्वेश्चंस आपको पढ़कर समझ में आना चाहिए कि साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चंस है. कुछ नहीं, जैसे ये प्रोसेस किए ना उसी तरह आप कीजिए, क्वेश्चन इसी तरह बनेगा. मतलब क्वेश्चंस में ऐसा किया गया है कि आप ए प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, आप बी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ, सी माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बताओ. मतलब एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताइए, एक्स का वैल्यू बताइए और वाई का वैल्यू बताइए, यही पूछा गया है. तो आज तो 2020 का लास्ट डे है ना, तो कोई नया साल के लिए रिजोल्यूशन लेते हैं ना, कुछ ऐसा है ना. एक दिन में दुनिया चेंज हो जाएगा. कैलेंडर चेंज हो जाएगा. तुम्हारा अपना क्या रेजोल्यूशंस है? अपना कुछ होगा ना कि नया साल में कुछ अच्छा करना है? कहने भर का होता है. तो आज कुछ स्पेशल पार्टी वगैरह होगा? कुछ नहीं, अभी प्लान नहीं हुआ. होगा हो गया सॉल्व.
कैलकुलेशन स्टफ आ गया। चलो देखिए क्या कैलकुलेशन टफ आया है। हाँ थोड़ा सा तो इसमें रूट स्क्वायर ये सब आएगा। देखिए एक स्ट्रोंसियम सल्फेट, स्ट्रोंसियम आयंस प्लस SO42 माइनस आयंस, इसका सॉलिडिटी मान लीजिए एक्स है, तो एक्स और ये भी एक्स। एक दूसरा है बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट ये Ba2 प्लस और SO42 माइनस। अगर इसका सॉलिडिटी वाई है तो ये भी वाई, कॉन्सेंट्रेशन इसका भी वाई। एक कंटेनर में सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा। अगर इसके लिए हम Ksp1 लिखूं, एक पहला तो इक्वेशन तो यही आ जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट ओवर Ksp1 प्लस Ksp2, यही था, क्योंकि x प्लस वाई चाहिए तभी आप सल्फेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा रूट ओवर Ksp1 क्या है देखो दिया हुआ है 7.5 इंटू 10^-7 और प्लस 6 इंटू 10^-18। क्या करें आप, ये कॉमन ले लें 7 कॉमन लेने से हो जाएगा, इसको 8 कर देते हैं, इसको 8 कॉमन ले लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। चलो 8 कॉमन ले लेते हैं यहां से, 10^-8 कॉमन लिए तो बाहर कितना जाएगा 10^-4 रूट ओवर ये 75 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 10^ यहां से 8 कॉमन ले लिए, यहां से 10^-10 होगा होगा ना। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आप इसको कैलकुलेशन सब करना पड़ेगा, अभी इसका कोई उपाय नहीं है। तेरा कैलकुलेशन किया हुआ है क्या, देखो अच्छा ये 75 था या 7.5। अच्छा एक चीज गलती हुआ मुझसे, ये गलती लिखा गया है तभी ना दिक्कत हो रहा था, 10^-8 होगा, अदरवाइज कितना टफ कैलकुलेशन हो जाएगा, ये गलती हुआ मुझसे। तो ये कॉमन हो जाएगा 10^-8, अब क्या हो गया बताओ, यहाँ 75 और यहां पर 7 इतना ही ना। हाँ तो ये कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 मीन्स 9 इंटू 10^-4, मतलब अगर आप सही सही करोगे ना तो कैलकुलेशन इजी होता है, इतना डिफरेंस आ रहा था तो इसलिए मुझे लगा गलती कुछ की है, इसलिए मैं देखा वहां पर वो कैलकुलेशन आपसे इतना टफ नहीं कराया कि आप कर नहीं सकते हैं। तो ये क्या आ गया x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मीन्स क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। चलो अब हम क्या करेंगे, एक तो x प्लस एडिशन कर दिए, अब डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो क्या होगा x x y में रिलेशंस आएगा, उस रिलेशंस को यहाँ पुट करेंगे तो आपका सॉल्व होगा। मतलब क्या करना चाहते हैं देखिए, ऐसा Ksp1 अपॉन Ksp2 7.5 इंटू 10^-7 अपॉन 6 इंटू 10^-8 इज इक्वल टू क्या एक्स अपॉन वाई, यही था। ये क्या हो जाएगा देखो, ये पॉइंट हटा देते हैं और इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, एक्स अपॉन वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा
75 अपॉन 6, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 75 अपॉन 6y आ जाएगा, एक्स वाई में रिलेशन आ गया। अब आप क्या करोगे, आपको x और y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू पता है, आप बचपन में पढ़ते होंगे, x y का वैल्यू पता है और x y में रिलेशंस भी पता है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स, सॉल्व होता है आसानी से। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, x x के जगह मैं लिख देता हूँ 75 6y प्लस y को y ही रहने देता हूँ, दैट वन इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁴। अब यहाँ से रिलेशन निकाल कर बताओ, ये 6 यहाँ पर 75 में 6 ऐड होगा तो 81 हो जाएगा, 81y इज इक्वल टू 6 × 9 × 10⁻⁴, और यहां से 81 भी डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा y का वैल्यू 9, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 × 10⁻⁴। वाई निकल गया तो x भी निकल जाएगा, आप हर एक डाटा आप इतना कर लीजिएगा, ये y निकाल दिया, इस y का वैल्यू यहां रखेंगे तो x भी निकल जाएगा। चलो तो ऐसे हम लोग साइमल्टेनियस सॉलिडिटी का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है बट आपको कॉन्सेप्ट जो बताना था मैं बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशंस, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब यहां समझे, हम जानते हैं फॉर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, जैसे ए भी एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, अपने आयंस में, अपने आयंस के साथ ये इक्विलिब्रियम में सेट हो जाता है, हो गया। चलो अब यहां पर तीन कंडीशंस आएगा, तीन कंडीशंस क्या क्या, इसको सुनिए अच्छी तरह से, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केएसपी बोलेंगे। पहला केस है जब क्यू, क्यू से आप फैमिलियर होंगे, क्यू का वैल्यू लेस देन केएसपी होगा, क्यू क्या आप इसको बोलते हैं, रिएक्शन कोशिएंट, सॉलिडिटी, सॉलिडिटी प्रोडक्ट, एसपी मतलब सॉलिडिटी प्रोडक्ट, क्यू का वैल्यू लेस देन केएसपी होगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, किधर जाएगा, अच्छा बैकवर्ड जाएगा। देखो ये बताए थे, अगर याद करो Q इज इक्वल टू क्या, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कुछ याद है, अभी क्या है, अभी आपका Q का वैल्यू कम है, ये K है, इसको बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो इसको बढ़ाना है हमको, बढ़ाना के लिए रिएक्टेंट को कम करना पड़ेगा, रिएक्टेंट को कम करना पड़ेगा मतलब रिएक्शन को किधर बजाना पड़ेगा, फॉरवर्ड जाएगा तभी कम होगा, यही चीज, ये इसको बढ़ाना है हमको, इसको बढ़ाना है, इसके लिए इसको कम करना पड़ेगा, इसको कम करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, नेट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इसका मतलब होता है क्या, ज्यादा सॉल्ट, ये जो होगा सॉल्ट अपने आयंस में कन्वर्ट होगा ज्यादा से ज्यादा, ये जो सॉल्ट होगा आयंस में कन्वर्ट होगा, यही चीज, तो इसको लिख लें पहला, अगर होगा तो नेट रिएक्शंस, नेट रिएक्शंस विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस, फॉरवर्ड डायरेक्शंस, नेट रिएक्शंस विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस
एंड मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर एंड सॉल्यूशन इज क्या अनसैचुरेटेड, सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। अब देखो धीरे धीरे क्या होगा, क्यू का वैल्यू बढ़ेगा और क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू बढ़कर किसके इक्वल हो जाएगा, केएसपी के इक्वल हो जाएगा। इस केस में क्या होगा बताओ, इक्विलिब्रियम, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है और इस केस में देखोगे नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व इन, ये जो सॉल्ट होगा आयंस में नहीं ब्रेक होगा और ना ही आयंस प्रेसिपिटेट बनाएगा, यही ना होगा। आप कंडीशन समझ रहे हैं कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। देखो पहले हम क्या किए, ए बी को पानी के अंदर डाले, ए बी को पानी के अंदर डाले तो क्या हो गया, ये ए बी आयंस में टूटना शुरू हुआ, ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट आपका आयंस में कन्वर्ट हुआ, इसी को हम क्या बोले अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ये 9th-10th में पढ़ते हो गए आप, अनसैचुरेटेड सुपर सैचुरेटेड वगैरह वगैरह। चलो फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जब पूरी तरह टूट जाएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इस कंडीशंस में ये जो सॉल्ट होगा आयंस में भी नहीं टूटेगा और ये आयंस भी आपस में जुड़कर सॉल्ट भी नहीं बनाएगा, प्रेसिपिटेशंस भी नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, क्वेश्चंस में पूछा करता है कि कौन सा, मतलब ऐसा कंडीशंस बताएं कि जहां पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, ये कंडीशंस है ना। इसके बाद थोड़ा सा भी आगे, थोड़ा सा भी क्यू का वैल्यू ज्यादा हुआ तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये मान लो कि क्यू का वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया तो क्या होगा बताओ, अगर क्यू का वैल्यू थोड़ा कम हो गया, ज्यादा हो गया, अगर क्यू का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा केएसपी से तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। और एक ये भी होगा ना, इसी कंडीशन पर प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट होगा, प्रिवेंट मतलब समझ रहे हो, रुक जाएगा, रुक जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन पर क्या प्रेसिपिटेशन स्टार्ट भी होता है और प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट भी होता है, रुकता भी है। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको लिखो Q is equal to KSP, तो इसमें लिख लीजिएगा ये क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन कॉमा नो मोर सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर एंड जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, इसको सैचुरेटेड बोलते हैं। यहां पर नोट में यहीं पर यह बात लिख लेंगे क्या, लिख लीजिए एट क्यू एस पी इज इक्वल टू के एस पी, एट दिस कंडीशंस ये क्या होगा, प्रेसिपिटेशंस विल स्टार्ट, मतलब इसके जस्ट थोड़ा सा बाद प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। और दूसरा चीज क्या है, प्रेसिपिटेशंस विल बी प्रिवेंटेड, ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है तो इसको ध्यान रखना है। इसी कंडीशन अगर क्वेश्चन से पूछेगा कि आप वो कंडीशन बताओ कि जहां पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा, मतलब इनडायरेक्टली आप क्या करोगे, क्यू का वैल्यू केएसपी के साथ इक्वल कर देना, ऐसा कंडीशन बताओ जहां पर प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, तो आप इनडायरेक्टली क्या करोगे, क्यू इज इक्वल टू केएसपी करोगे, समझा। चलो तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन क्या होगा,
अगर क्यू एस पी का वैल्यू के एस पी से ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन में नेट रिएक्शन किधर मूव करेगा बताओ? बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या? प्रेसिपिटेट ज्यादा से ज्यादा बनेगा, यही ना? तो यही चीज लिखो, नेट रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन एंड सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड एंड प्रेसिपिटेशन विल ऑकर, प्रेसिपिटेशन विल ऑकर, प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। फिर से मैं बोल रहा हूं, नेट रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सॉल्यूशन जो होगा सुपर सैचुरेटेड होगा और प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट, प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। ये सब चीज तो पहले ही बता चुका हूं, ये सैचुरेटेड, प्रेसिपिटेशन, अनसैचुरेटेड आज ही बताया ना, जब क्लास स्टार्ट हुआ था यहीं से शुरू किया था मैं। तो चलो, इन तीनों में यही वाला केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस कंडीशन पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा और प्रेसिपिटेशन प्रिवेंट होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसके लिए क्वेश्चन लिखे हैं। लिखो, एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस कॉमा विल ए प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन ए 10 raised to the minus 4 molar solution of magnesium nitrate comma if pH of solution is adjusted to 9, if pH of the solution is adjusted to 9, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है। पैराग्राफ चेंज करके दूसरा क्वेश्चन लिखो यहीं पर, ये क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, मतलब यहां तक एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रेसिपिटेशन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, यहां पर इतना तक क्वेश्चन पहले समझ लिया। एक बार पढ़े क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो पहले। पढ़ लिए, कुछ समझ में आ रहा है? चलो, यही बोल रहा है ना कि मान लो कि एक कंटेनर है जिसमें क्या मैग्नीशियम नाइट्रेट है। इस मैग्नीशियम नाइट्रेट में अगर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डाल रहे हो तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा ये पूछ रहा है। तो प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा, अगर इसका क्यू का वैल्यू KSP से कम हो जाए, KSP का वैल्यू मैं इसका दूंगा आपको, कंपेयर करोगे, अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। अगर Q का वैल्यू KSP से ज्यादा होगा तो क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, यही ना पूछ रहा है आपसे। तो इतना पार्ट तो समझ में आ गया क्वेश्चंस का, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। अच्छा, ये पीएच क्यों दिया है पहले ये बताओ, पीएच क्यों दिया है आपको? कुछ लिए तो दिया होगा, इसका काम होगा कुछ? पीएच दिया है, यहां से आप एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे, एच प्लस का मतलब ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लोगे, ओ एच माइनस का मतलब यहां जो ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आपको इनडायरेक्टली पता है, डायरेक्टली नहीं दिया आपको, और आपको Mg2+ का भी कॉन्सेंट्रेशन पता है, कैसे बताओ? हाँ, यहां अगर Mg+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा
उसी से तो हम इसका कॉन्सेंट्रेशन पता करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला भी अभी तक क्वेश्चन ऐसा है कि हम एक सॉल्ट को कॉमन आयन में रखे हैं, अभी तक का क्वेश्चन इतना ही है, और उसमें अब थोड़ा सा मैं एडवांस कर दिया हूं क्या कि हम अभी ये पूछना चाहते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? चलो अब यहां पर क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, क्वेश्चन आगे बढ़ाओ। पहले इतना सॉल्व करोगे या पहले इतना सॉल्व करोगे, इतना जगह छोड़ दो आप, पहले सॉल्व करो फिर क्वेश्चन, नहीं तो लिखा दूंगा तो आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। पहले इतना जो समझ रहे हो उसको पहले सॉल्व करो, थोड़ा सा जगह छोड़ देना क्वेश्चन का, हम थोड़ा सा पार्ट लिखना भूल गए हैं ना, थोड़ा जगह छोड़ दो, पहले इतना सॉल्व करो आप। हाँ बट उसके लिए हमको आपको केएसपी देना पड़ेगा, केएसपी लिख लेना, केएसपी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 10^-11। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वहां, ऑलमोस्ट ये पार्ट खत्म है, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 5-10 मिनट को, तो उसके बाद ये चैप्टर्स खत्म हो जाएगा। अगले नया साल से हम लोग एक नया चैप्टर समझो कि ऑलमोस्ट स्टार्ट करेंगे, दैट वन इज थर्मोडायनामिक्स। इस चैप्टर्स में भी काफी ज्यादा टाइम दिया गया है, काफी वेराइटीज ऑफ चीजें से डील किया गया है। अगर आप इतना पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपका ऑलमोस्ट बन जाएगा, 100% तो कोई चीज होता ही नहीं है केमिस्ट्री में। अगर आप पढ़ते होंगे कंटेंट को, अगर आप क्वेश्चन बनाते होंगे तो जरूर आपको क्वेश्चन बनता होगा। क्वेश्चन तो कंप्लीट नहीं है ना सर। अरे भाई इतना क्वेश्चन कंप्लीट है, इसमें सब डाटा दिया हुआ है। तो इसमें तो प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं सर। हाँ प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, बिल्कुल सही। अगर ये आंसर बोल रहे हो तो बिल्कुल सही है कि प्रेसिपिटेशन होगा ही नहीं, नहीं होगा, क्योंकि Q का वैल्यू लेस देन KSP आ जाएगा। मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पर देखो, इसी सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन देखना है होगा या नहीं होगा, तो क्या होगा, ये Mg2+ और 2H-, मुझे OH- का कॉन्सेंट्रेशन बताओ। देखो इसके लिए क्या है, पीएच क्या दिया है, 9 दिया है। एच प्लस का वैल्यू क्या होगा बताओ, 10^-9 होगा। ओएच माइनस का वैल्यू कितना होगा बताओ, 10^-5, बिल्कुल सही। मतलब हम इसका कॉन्सेंट्रेशन जानते हैं। अब ऐसा 2 मल्टीप्लाई मत करना, ये ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसा नहीं कि 2 × 10^-5 कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। चलो अब ये दूसरा क्या है, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये क्या है, ये Mg2+ और 2NO3-। देखो मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन पता है हमको क्या, 10^-4 मोलर। अगर इसका इतना है तो इसका भी इतना होगा, होगा। चलो अब हम क्या निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे। क्यू एनी टाइम डिफाइन होता है, बट के इक्विलिब्रियम पर डिफाइन होता है, तो QSP निकाल लो। कैसे निकालोगे बताओ, इसका कॉन्सेंट्रेशन अदर देन इक्विलिब्रियम का पावर 1 × इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, पावर 2।
सर 10 पॉइंट कितना देगा बताओ, 10 रेज पावर, ये 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा 14, 10 माइनस 14 आ जाएगा। अब बताओ Q का वैल्यू यहाँ है, K का वैल्यू यहाँ है, तो क्या देख रहे हो, Q का वैल्यू इज लेस देन के एस पी, है ना, Q का वैल्यू इज लेस देन के एस पी, तो क्या होगा बताओ, प्रेसिपिटेशन विल नॉट स्टार्ट, देख रहा है ना, Q का वैल्यू यहाँ है, के एस पी का वैल्यू यहाँ है, कम है ना या ज्यादा है, ये 14 है ना, ये 14 है, क्या Q का वैल्यू अभी यहाँ पर जैसे हम इसको डिफाइन करते हैं ना, यहाँ पर भी इसका कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करेंगे वो कांस्टेंट रहेगा ना ऑलमोस्ट, तो हम जैसे KSP का एक्सप्रेशन लिखते हैं ना उसी तरह QSP का भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, समझ रहे हो, बट यहाँ पर ये सब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म यूज करोगे अदर देन इक्विलिब्रियम वाला, समझ गए ये कैसे हम QSP को डिफाइन करेंगे, तो ये इतना आ गया और ये इतना आ गया, तो क्या देख रहे हैं इस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशंस नहीं होगा, प्रेसिपिटेशंस विल नॉट स्टार्ट, अगर ज्यादा आ जाता तो, और QSP का वैल्यू ग्रेटर देन KSP आ जाता तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाता और इक्वल टू रहता तो प्रेसिपिटेशन विल जस्ट स्टार्ट या प्रेसिपिटेशन विल जस्ट प्रिवेंट। चलो समझ में आ गया इतना, चलो क्वेश्चन का आप जो पार्ट छोड़े थे ना पैराग्राफ वहां से लिखे, कैलकुलेट द मिनिमम पीएच, कैलकुलेट द मिनिमम पीएच एट विच प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट, मतलब इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि Q इज इक्वल टू के एस पी कीजिए, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो पीएच निकल जाएगा, को लगता है कि आधा चीज तो आप लोग को बाउंस मारता है, समझ में आ जाता है जो पढ़ाया जाता है सर, 10.5 बिल्कुल सही है, 10.5 अगर आंसर आपका आ रहा है तो, मतलब पीएच 9 से बढ़ाकर अगर हम 10.5 करेंगे तो प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, 9 पीएच जब 9 था तो प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा था वो हम लोग चेक किए, बट अगर 9 से बढ़ाकर 10.5 कर देंगे तो प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या करोगे देखो ये ना कुछ नहीं है, अब जो बोला है कि प्रेसिपिटेशन जस्ट स्टार्ट के लिए QSP का वैल्यू KSP के इक्वल कीजिए, QSP कैसे डिफाइन होता है, मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन को तो आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, आप जो भी करोगे तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे, मान लो OH- का कॉन्सेंट्रेशन X है या ऐसे लिख लो, चलो दैट इज इक्वल टू, ये तो चेंज नहीं होगा, यहां से बताओ OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, OH- का कॉन्सेंट्रेशन ये कैंसल्स हो गया, कैंसल हो गया तो कितना 10 रेज पावर माइनस 7, 7 7 का रूट, 10 रेज पावर माइनस 7 का रूट, तो ये क्या आ जाएगा 10 रेज पावर 6, मीन्स 10 रेज पावर माइनस √10 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, √10 का वैल्यू क्या, √9 रहता तो 3 होता, 3 से थोड़ा ज्यादा लिख लेता हूं, 3.2 ले लेता हूं, चलो आप पीओएच निकाल ले,
पीओएच कैसे निकालोगे? पीओएच 3 माइनस लॉग 3.2, लॉग 3 का वैल्यू कितना होता है? 0.47, 0.5 ले लेता हूं, चलो लेट इट बी, कितना जाएगा? 2.5। ये पीओएच आया। पीएच कैसे निकालोगे? 14 माइनस पीओएच, ये आंसर हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना है। थैंक यू सर।